अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अफजाल अरशद है और मेरा एक YouTube चैनल है। अगर आप में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये अलग से मैं चैनल क्यों बनाया, इसकी क्या वजह है, ये सारी चीज़ों के आंसर्स आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिल जाएंगे। आज जो वीडियो है इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक स्टूडियो, मतलब पहले मेरे पास एक स्पेस है जहाँ पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर दो तीन मसले हैं मुझे। तो जी, पहले वाला किचन भी आपको दिखा देते हैं। ये शॉप के अंदर से गुजर के आया हूँ मैं और ये यहाँ से मेरा किचन स्टार्ट हो रहा है। जो आप देखते हैं वो आपको सिर्फ नज़र आता है इस साइड से ये चीज़, लेकिन एक्चुअली ये जो है ये बिल्कुल ओपन स्पेस है, ये देखें, और इस साइड पे जो है विंडोज़ हैं। तो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग या किसी भी तरह का इस तरह का जो सिस्टम है वो बहुत मुश्किल है। इधर नीचे हमारी वर्कशॉप है तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब मेस नज़र आ रहा है, तो इसी वजह से मैं उधर शिफ्ट हो रहा हूँ ताकि, और ये जो इक्विपमेंट है अभी तक इनको मैंने सेट भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस ही नहीं है इनको रखने के। मैं चाह रहा था कि आप भी इस पूरी सीरीज़ के अंदर मेरे साथ हों, मैं वीडियोस बनाऊंगा इस पर और आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई किचन बनाना चाह रहा है तो उसको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मेरी रिसर्च है उससे, और मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे आपसे सजेशंस मिल जाएंगे। अगर किसी चीज़ का मुझे नहीं पता तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है, नॉलेज होता है, तो वो मुझे बता सकते हैं। तो आज 28 जुलाई है, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी घर से निकल रहा था और उसी स्टूडियो पे जाना है। आपको एक ओवरव्यू देंगे कि किस तरह का किचन बनाना चाह रहे हैं, तो किस तरह की स्पेस है और किचन के अलावा वहाँ पर क्या होगा, तो वो चल रहा है। तो जी, ये घर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्टूडियो घर का तो आपको अभी बताया ही नहीं है। एक्चुअली ये हमारा पुराना घर है जहाँ पे हम सब भाइयों बहनों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं, मतलब मुझे नहीं याद कि इसके अलावा हम कहीं और रहे हों, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यही घर याद है या जहाँ पे अब हम रह रहे हैं वहाँ पर। तो सीन ये है कि ये काफ़ी टाइम से रेंट पर था लेकिन क्योंकि मुझे एक स्पेस चाहिए थी तो मैं चाह रहा था कि कोई सुकून वाली जगह हो, मतलब घर टाइप ही हो कि वहाँ पे गाड़ियों का और इस तरह के जो शोर है वो ज़्यादा ना हो। इसका मैं एक ओवरव्यू अगर आपको दूँ तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंट्रेंस पे, ये आपको जो पीछे नज़र आ रहा है ये गेट है, इस साइड पे एक वॉशरूम है और अगर हम सीधे चलते जाएँ सामने की तरफ, सीधे जाएँ तो यहाँ पे एंट्रेंस है अंदर की तरफ, ये एक किचन है, ये एक रूम है जो कि गली की तरफ खुलता है जिसको बैठक बोलते हैं, और इधर जो है सीढ़ियाँ ऊपर जाने की तरफ, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अभी फ़िलहाल अलग है। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं एरिया वो इस डोर से आगे आगे है और ये भी एरिया है। यहाँ मैं सोच रहा था कि कुछ हम बनाएंगे आउटडोर किचन टाइप, लेकिन मुझे जगह कम लग रही है, लेकिन एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक ओवन बनाएंगे और साथ में कुछ आउटडोर कुकिंग के लिए थोड़ा सा सेटअप बनाया जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो इधर एक रूम है जो हमारा सबसे पहला किचन हुआ करता था, मतलब ये इतना छोटा सा था कि जब हम स्कूल जाया करते थे 5 या 6 क्लास में तो अम्मी जो हैं इधर नीचे चूल्हा होता था और सारा जो भी खाना वगैरह यहाँ पे पकाया जाता था। उसके बाद जो है आगे जाएं तो ये आपको इधर एक विंडो नज़र आ रही है, यहाँ पे छोटी विंडो थी, मैंने आपको पहले दिखाया होगा, तो वहाँ पे छोटी विंडो थी, उसको निकाल के हमने इसको बड़ा कर दिया ताकि यहाँ पे एल्युमिनियम वाली बड़ी विंडो लगाई जा सके। फिर जो है ये किचन का डोर है, असल में यहाँ मैं किचन बनाना चाह रहा हूँ इस रूम के अंदर, तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एक रूम है इस साइड पर, ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको हम बनाएंगे ऑफिस, और यहाँ भी सीलिंग हो चुकी है, लाइट्स मैं ऑन करता हूँ। हाँ ये देखिए, तो यहाँ भी सीलिंग लगी हुई है, बाकी इसको हम ऑफिस बनाएंगे। और एक रूम जो है ये इधर है, तो जी ये रूम है। अब ये है एक स्टूडियो, इसके बारे में इंशाल्लाह कभी मैं आपको बताऊंगा, फ़िलहाल तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेट की हुई हैं,
बाकी वहाँ पे एक एसी भी इंस्टॉल कर दिया हमने ताकि फ़ैन का जो शोर है वो यहाँ पे ना आए, और वहाँ पे एक डोर है तो उसके बारे में भी कभी डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है इसी घर को और अपने किचन को देख रहे हैं। अब आ गया ये रूम, ये जो विंडो वाला रूम है इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ मैं। हाँ बल्कि इधर से सही नजर आएगा। अच्छा जी ये देखें, अब ये रूम है जहाँ पे मैंने अपना किचन बनाना है। हमारा जो सारा फोकस है वो इंशाल्लाह इसी रूम पे होगा कि इसको हम किस तरह सेट कर सकें और किस तरह बेहतर कर सकें। इसके कुछ प्रिंट्स हैं मेरे पास, अब इन प्रिंट्स को जो है डिस्कस करते हैं। आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह के डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बैठ जाते हैं। सो द थिंग इज कि ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है रूम, यहाँ पे एक फ्रंट वॉल है, फ्रंट वाली दीवार है, एक ये साइड वाली दीवार है और एक ये दीवार है। ये जो है ये हमारे पास विंडो आ जाएगी तो इसको हम ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। जो मेन मेरी फ्रंट साइड होगी समझ लें जो मेरे बैक पे आया करेगी जब मैं वीडियो बनाऊँगा, तो ये दीवार होनी चाहिए वो, और उसका जो डिज़ाइन है वो होगा दिस। अब ये आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये आइलैंड है जो कि दरमियान वाला काउंटर है, और एक इसकी बैक साइड पे ये आपको दीवार नज़र आ रही है, ये दीवार। अब ये दीवार जो है ये होगी इधर फ्रंट पे, उसके आगे ये टेबल होगा, और ये जो अलमारियां हैं ये इस पिक्चर के अंदर इस साइड पे हैं लेकिन हम इनको लेके जाएंगे इस दीवार के ऊपर। अच्छा जी, अब इस रूम की ये दीवार तो मैंने आपको बता दी है, इस डोर को हम बंद कर देंगे, यहाँ पे वॉशरूम है जिसको हम क्लोज़ कर देंगे, इसके आगे फ्रिज जाएगी इधर, और उसके अलावा अब बची है ये दीवार। इस दीवार पे हमने क्या करना है ये देखें, ये है जी इस दीवार का आप पिक्चर कह लें। ये क्या है, ये दो अलमारियाँ हैं, एक ये नज़र आ रही है आपको, दूसरी ये नज़र आ रही है। ये दोनों डिफरेंट कलर्स के अंदर हैं, ये डार्क कलर है और ये वुडन कलर है। पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा पिक्चर्स। अच्छा ये अलमारी जो है इसके अंदर हमारे मोस्टली जितने किचन के इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो नीचे ही अभी पड़े हैं जगह नहीं है उनके लिए, वो यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ प्लेट्स आ जाएंगी, ओवन्स आ जाएंगे इधर। ये बिल्कुल आगे से ओपन होगी, इसके आगे ना तो कोई ग्लास होगा ना कैबिनेट्स होंगे। दूसरी साइड पे ये जो है ये वुडन बनेगी, इसको या तो सीडार वुड से हम बनाएंगे या जो है कोई और लकड़ी जो कि माकूल जिसकी प्राइसेस होंगी और बेहतर हमें उसका जो आउटपुट मिलेगी उसको यूज़ करेंगे। इसके नीचे टोटल ड्रॉर्स हैं, मैंने ये सोचा था कि ये जो ड्रॉर्स इधर मुझे नज़र आ रहे हैं इनको मैं यूज़ करूँगा ग्रोसरी के लिए, मतलब कि जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, या इस तरह की जो चीज़ें वो यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन ये जब बन जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे। ये बिल्कुल ओपन ड्रॉर्स हैं जिनके अंदर ना कोई चैनल होंगे ना कुछ होगा, सिंपली ये देसी जैसे होते हैं उस स्टाइल में हम बनाएंगे। ऊपर इधर इसके तीन पल्ले या कैबिनेट्स हैं, इनको जैसे ही खोलते हैं अंदर शेल्फ्स हैं तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो ये जो है बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन था जो कि इस किचन के अंदर मैं करने वाला हूँ, लेकिन इसका जो मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे वो लुक इस तरह की होगी, काफ़ी मॉडर्न लगेगा ये, मतलब अगर कोई बंदा एंटर होता है तो उसे काफ़ी मॉडर्न लुक आएगी इसकी, जो इसके कलर्स हैं और कलर स्कीम जो है उस हवाले से भी बड़ा एक अच्छा लुक आएगी। नीचे फ्लोरिंग जो है वो हम टाइल की करेंगे, ऊपर सीलिंग हो चुकी है, इंशाल्लाह बाकी जो काम है वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक बहुत है, एक इंट्रो था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे इस किचन के हवाले से, और किचन के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं वो भी आपको बता दिया। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, मतलब जो मेरी लाइफ है, मैं दिखाना चाह रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब जो है एज इट इज़ है, कोई हम वो बनानी नहीं है व्लॉग्स के लिए, हमने लाइफ नहीं चेंज करनी, जो है वही मैं आपको दिखाऊँगा क्या हो रहा है, क्या रूटीन होती है। तो इंशाल्लाह इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिस तरह वहाँ आपका प्यार मिलता है तो वहाँ यहाँ पे भी उसी तरह प्यार दीजिए। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।